कुकिंग फिश ऑन रॉक। कन्वलजीत नाम का एक नेता अपने आदमी संदीप से, चुनाव आने वाले हैं, पिछले चुनाव में हम हार गए थे, मगर इस बार कुछ भी करके हमें जीतना होगा, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहा संदीप तब। ये क्या बड़ी बात है भाई, पद यात्रा करिए, अब तो यही ट्रेंडिंग है, थोड़े दिन पहले रागा जी ने भी यही किया था ना, कहा तो कन्वल। यार ये कैसे मुमकिन होगा, पहले ही मुझे बीपी शुगर है, मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता, कहा संदीप तब। इसके लिए भी इंतजाम है भाई, हम आगे चलने लगे तो पीछे कार में सब व्यंजन तैयार रहेंगे, अगर आपके पैर दर्द दिए तो थोड़ी देर कार में बैठकर आराम करके फिर से यात्रा आरंभ कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है, कहा तो कावल। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, वैसे ही करेंगे, कहा कावल। अपने आदमियों के साथ मिलके पद यात्रा आरंभ किया, यात्रा में लोगों से मिलके उन्हें नमस्कार करते हुए जाने लगा। दो दिन बीते, अगले दिन एक आदिवासियों के गांव में रुककर कावल बस्तीवासियों से बात करते हुए, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ठीक से हॉस्पिटल, दवाइयों की सुविधा नहीं है, रवाना की भी सुविधाएं नहीं है, इस वजह से बूढ़े बच्चे और महिलाएं बहुत परेशान है कहकर मुझे पता चला है, अगर आप इस बार मुझे जिताए तो मैं आपके लिए हॉस्पिटल बनवाने के साथ साथ मुफ्त में दवाइयां भी मिले जैसे करूंगा, आपके गांव को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का प्रबंध करने के साथ साथ रोड भी डलवाऊंगा, कहा। ये सुनकर आदिवासी तालियां मारे। कावलजीत पैदल चलते हुए आगे बढ़ा। दोपहर को एक खाली जगह के पास मौजूद एक तालाब के पास पहुंचे। वहां पर थोड़े लोग तालाब में मछली पकड़ रहे थे। तब कावलजीत सिंह संदीप से, मुझे बहुत भूख लग रही है रे, कार में कुछ है तो लाओ, कहा संदीप तब। अब भाई कहकर कुछ कह रहा था कावल। क्या है रे, पूछे तो संदीप। भाई कार उस गांव के पास ही रुक गई है, कोई रिपेयर है कह रहे हैं, कहा कावल तब। रे तूने क्या कर दिया, अब हम क्या करें, इस तालाब के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, अब नहीं खाया तो मैं कांपने लगूंगा, कुछ ना कुछ करो, कहा संदीप। ठीक है भाई, मैं मछुआरों से पूछूंगा, कहकर तालाब में मछली पकड़ने वालों के पास गया। संदीप मछुआरों से, यहाँ पास में खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या, कहकर पूछा उनमें से एक आदमी। यहाँ और आसपास कहीं पर भी खाने के लिए मछलियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कहा संदीप तब। तो फिर कैसे, कहकर चिढ़ने लगा उन मछुआरों में से एक बूढ़ा आदमी। बेटा मैं मछली से एक व्यंजन बनाकर दूंगा, आप खाइए, बहुत अच्छा रहेगा, इस जगह पर इसे खाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कहा संदीप जाकर कावल से। भाई कह रहे हैं कि इस एरिया में मछलियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वो बूढ़ा आदमी आपको मछली से कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर देगा बोल रहा है, अब क्या करेंगे, कहा कावल तब। ठीक है बनाने कहो, मैं भूख से मर रहा हूँ, अब जो मिला उसी से पेट भरना होगा, जल्दी जाओ, कहा। तब बूढ़ा आदमी पत्थरों को जमा कर उनके ऊपर मेज के जैसे एक पत्थर को रख कर वहाँ मिलने वाले लकड़ियाँ सब उठाकर उनसे आग सुलगा कर मछलियों को काट कर उन्हें उस पत्थर पे रख कर कुकिंग फिश ऑन रॉक के जैसे बनाने लगा। ऐसे बनाए मछली के व्यंजन को पत्तों पे रख कर उसे दिया। मछली को खाकर कावल, ये अद्भुत है, भूख मिटने के साथ साथ लगता है मुझ में बहुत शक्ति आ गई है, कहा बूढ़ा आदमी। ये प्राकृतिक भोजन है, बिना तेल के शुद्ध तरीके से बनाया, ये हमारे पुरखों से आ रहा है बेटा, कहा कावल बहुत खुश होकर। चाचा आप मुझे मछली बनाकर देने के लिए मेरे साथ आओगे क्या, मैं आपको पैसे भी दूंगा, कहा बूढ़ा आदमी। ठीक है सब उस भगवान की मर्जी, कहा। ऐसे कावल पद यात्रा करके चुनाव में जीतकर एमएलए बना। कावल जीत आए दिन सुबह सुबह उस बूढ़े आदमी से मछली बनवाकर खाकर अपने काम को शुरू करने लगा। बूढ़ा आदमी उसके पास काम करते हुए बहुत इज्जत पाने लगा।